हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम के सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही प्रश्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने पहला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आपका है 9, 7, 10 और 8। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे वर्तमान समय में भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, वर्तमान समय में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल कितने हैं? 8 है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से आ रहा हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंड्स, ऑप्शन है रोम, इटली, ब्रिटेन या अमेरिका। तो फ्रेंड्स देखिए, पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय हुआ था आपका इटली देश से हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, करेक्ट है। तो पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय हुआ तो किस देश से हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका इटली से हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखिए। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका विश्व व्यापार जो संगठन की स्थापना आपका जो हुआ था न्यूयॉर्क से हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क देश से हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को या 15 अगस्त को। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो मानव अधिकार दिवस है आपका हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, पांचवा नंबर का है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था फ्रेंड्स? उस देश का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था फ्रांस देश से हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके 2020 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो 2024 में भी ये आने की संभावना है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल आपका है छठवा नंबर का, इसको एकदम इम्पोर्टेंट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके पेपर के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था या चौरी चौरा जो घटना हुआ था वो था। तो फ्रेंड्स देखिए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था उसी को लेके आपका महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर सवाल जो है यह भी आपके पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित था? ऑप्शन है तो मृदा संरक्षण से संबंधित है, या वन संरक्षण से, या जल संरक्षण से, या वायु संरक्षण से। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका
चिपको आंदोलन जो था वन संरक्षण से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है आठवां नंबर का, कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कपास खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी माना जाता है काली मिट्टी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि कपास की खेती के लिए जो उचित भूमि होता है वो काली मिट्टी को माना जाता है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला नंबर का सवाल है कि कौन सी रबी की फसल है फ्रेंड्स? ऑप्शन है धान होगा, दालें, मोटे अनाज या कपास। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी जो रबी की फसल में आता है दालें आता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? यह भी आपके 2020 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1984, 1985 या 1986। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1986। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है चाय होगा, चीनी, लोहा एवं इस्पात या जूट। तो फ्रेंड्स देखिए आधारभूत उद्योग जो माना जाता है आपका लोहा और इस्पात को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सही जवाब देखिए पहले लोहा और इस्पात को माना जाता है, तो इसका सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है फ्रेंड्स? तो आपको बताना है कि जो भारत में करेंसी नोट जारी करता है वो कौन सा बैंक करता है फ्रेंड्स? तो आपके सामने है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है आपको कहते हैं RBI कहते हैं, स्टेट बैंक इंडिया को SBI कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है केंद्र में जो RBI ही आपका नोट जारी करता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में करेंसी जो नोट जारी करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, अर्थात RBI जारी करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह भी आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। और फ्रेंड्स बता दें कि महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके हर साल बोर्ड के एग्जाम में महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न आते हैं। फ्रेंड्स आपका 13वां नंबर का सवाल है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? ऑप्शन है 1914 में, 1915, 1918 या 1919। तो फ्रेंड्स देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1915। ठीक है, आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स 14 नंबर का कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यह भी आपके 2020 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है प्रश्न, कि जूसेप गैरिबाल्डी होगा, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाए थे ऑटो वान बिस्मार्क निभाए थे, इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 14वां नंबर का सवाल है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स देखिए नेपोलियन का जो संबंध था फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड से था। तो नेपोलियन फ्रेंड्स कहाँ का था? तो इंग्लैंड से था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का आपका सही जवाब होगा फ्रांस,
नेपोलियन किस देश का था फ्रेंड्स? तो फ्रांस का था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल 16वां नंबर का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? आपका ऑप्शन है नमक का प्रयोग अमीर गरीब कर सभी करते थे इसके लिए, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था इसके लिए, नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था इसके लिए। देखिए फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नमक को अधिक महत्व क्यों दिया था? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नमक पे कर लगा दिया गया था, ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने अत्यधिक महत्व दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन ये भी गलत है, बी वाला भी गलत है और सी वाला भी गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महात्मा गांधी जी ने नमक पर अत्यधिक महत्व देने का मुख्य कारण था कि अंग्रेज जो थे भारतीयों पर नमक पे कर लगा दिए थे, इसलिए क्या था कि सबसे ज्यादा महत्व नमक पर दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स अभी बताया है कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, टोटल इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब देखिए राज्य में आपका मणिपुर राज्य संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश संघीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश क्या है संघीय राज्य है, लेकिन फ्रेंड जो डी है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा राज्य नहीं है, इसमें से डी वाला आपका क्या है, ये राज्य नहीं है, ये क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ 18वां नंबर का सवाल, आप देखिए कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ऑप्शन है 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2008 में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2008 ना होके 2009 होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपका होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 2006 में। तो नेपाल में जो था फ्रेंड्स लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं? ऑप्शन है मुंबई नागपुर को, सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा सिलचर पोरबंदर जो होता है पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट चलाई गई थी? फ्रेंड्स ऑप्शन है 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ निम्नलिखित में से जो महात्मा गांधी जी द्वारा ग्रामीण रोजगार एक्ट जो चलाया गया था वो चलाया गया था आपका 2005 में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था, 2005 में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बांध से हर साल प्रश्न आता रहता है। देखिए आपका है कि सलाल बांध किस नदी पर बना था? ऑप्शन है महानदी पर बनाया गया था, या चिनाव नदी पर, या सतलुज नदी पर, या किष्णा नदी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो सलाल बांध बनाया गया था आपका चिनाव नदी पर बनाया गया था। तो फ्रेंड्स चिनाव नदी पर कौन सा बांध है, तो आप याद रखिएगा सलाल बांध आपका किस नदी पर है, तो चिनाव नदी पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स 22वां नंबर का कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कि यहाँ पे पूछा है पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र, तो ये पवन ऊर्जा का सबसे विशाल केंद्र आपके भारत में उत्तराखंड में है। कौन से राज्य में फ्रेंड्स? उत्तराखंड में स्थित है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा का विशालतम केंद्र कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है।
अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है? फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स भारत के द्वारा कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका वो निर्यात नहीं करता है? ऑप्शन है कॉफी का, उर्वरक का, तंबाकू का या चाय का। तो फ्रेंड्स देखिए आप जो भारत निर्यातक करता है वो कॉफी का भी करता है, तंबाकू करता है, चाय का करता है, लेकिन उर्वरक जो होता है फ्रेंड इसका भारत निर्यातक नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो आपका 24 नंबर का आपका बी वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान से संबंधित 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में, आपके इन्हीं 24 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।